सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, बट ये वाला जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है उसे टीनेजर्स, बिगिनर्स या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा महंगे या फिर ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हैं वो भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा उस लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरी जो थ्रेड है, मतलब आईब्रोज हैं, वो थोड़ा मैस है क्योंकि थ्रेडिंग जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं हुई, दैट इज़ वाई। और मैंने अपने बाल वाल बना लिए, मतलब साइड से क्लिप वगैरह लगा लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स की जो रोज़ जेल आती है ना वो यहाँ पे अप्लाई की है एज अ मॉइस्चराइज़र और एज अ प्राइमर। तो आप उसकी जगह चाहे तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक प्राइमर के जैसे काम करेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट टोन क्रीम लगाई है जो कि मुझे काफ़ी अच्छे से सूट हो जाती है और फेयर स्किन के लिए या मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब इवन इंडियन स्किन टोन के लिए अच्छे से काम करती है। तो अगर आप बीबी क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर वाइट टोन या बीबी क्रीम लगा सकते हैं उसकी जगह। तो आप ईजिली विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं दोनों की, मतलब जब मैंने नहीं यूज़ किया था वो और जब मैंने यूज़ किया था उसके बाद। और बस एज़ यूजल मैं हमेशा जो न्यू निविया का लिप बाम लगाती हूँ वो लगाया मैंने। देन मैंने हिलेरी रोड़ा की यहाँ पे आईब्रो पेंसिल लिए जहाँ पे एक तरफ उसका ब्रश एंड दूसरी तरफ, और इससे ही मैं अपनी आईब्रोज को शेप इन कर लूँगी एंड ब्रश की हेल्प से उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर लूँगी ताकि मेरे आईब्रोज जो वो एकदम क्लियर दिखाई दे। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे एन वाई का कंसीलर लिया है। कंसीलर लेके मैंने उसके एजेस यानी कि आईब्रो के जो एजेस हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लिया ताकि कुछ भी मैस ना लगे और जिससे मेरी आईब्रोज एकदम शार्प इन लगे। और उसके बाद वही कंसीलर जो है वो मैंने अपनी आईलेट के ऊपर भी अप्लाई कर लिया और उसके बाद मैंने उसको फिंगर से ब्लेंड कर दिया। बहुत ही इजी सिंपल प्रोसेस है, बिगिनर्स तो आराम से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपका फेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है उसके लिए मैंने यहाँ पे एन वाई का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है और उसको मैं ब्रश की हेल्प से सिर्फ अप्लाई कर लूँ ताकि आपको जो मेकअप है बहुत ज़्यादा मतलब केकी ना लगे या फिर बहुत ज़्यादा डार्क ना लगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे हिलेरी रोड़ा की जो आई शेडो पैलेट है उसमें से पिंक कलर को लेके अप्लाई किया क्योंकि मेरी जो ड्रेस का कलर है वो पिंक एंड वाइट एंड गोल्डन है। तो मैंने पिंक कलर को लेके पूरी आईलिट के ऊपर उसको लगाया जिससे कलर जो है काफ़ी अच्छे से पॉपअप होकर नज़र आए। तो आप देख ही सकते हैं मैंने पूरी आईलिट के ऊपर दोनों तरफ, मतलब दोनों आईज़ के ऊपर अच्छे से उसको ब्लेंड करके अप्लाई कर लिया। और इसके बाद मैंने मिस गोल्ड की आई शेडो पैलेट में से फिर से पिंक कलर को लिया जिससे थोड़ा जो कलर है ना वो पॉपअप हो, मतलब डार्क दिखाई दे क्योंकि मेरी ड्रेस का जो पिंक कलर है वो थोड़ा डार्क है। फिर हिलेरी रोड़ा का जो दूसरा शेड नंबर वाला पैलेट है उसमें से मैंने एक गोल्डन कॉपर गोल्डन जैसे कलर लिया और उसको मैंने जो आउटर भी रहता है ना वहाँ पे लगाना स्टार्ट किया देन ब्लेंड किया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए मेरे दोनों कलर पिंक एंड गोल्डन, वो कुछ अलग अलग से ना लगे क्योंकि ब्लेंडिंग ही प्रोसेस सबसे मेन होता है ना। तो इसीलिए फिर भी मेरा पास जो है एन वाई का ही मेरे पास आई लाइनर है। तो हर वीडियो में जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा मेरे पास वही आई लाइनर है। तो बस उसी से मैंने एक ज़्यादा ड्रामेटिक आई लुक क्रिएट नहीं किया ना, इसलिए मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सा विंग आई लाइनर क्रिएट किया है दोनों आईज़ के ऊपर। और तब तक जब तक आप ये देख रहे हो आईलाइनर प्रोसेस तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ यार कोई भी नई चीज़ ट्राई करती हूँ सीखती हूँ तो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए, अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है कुछ भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यार। तो ठीक है, तो वो चीज़ प्रोसेस हो जाए एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में ले जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने अपनी जो आई लैशेज है उसको कर्ल किया वही एज़ यूजुअल बोरिंग स्टेप, मतलब पर मैंने डिफरेंस देखा है कि जब मैं अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करती हूँ ना तो ईजिली ये डिफरेंस विजिबल दिखाई देता है यार, सच में बहुत फ़र्क पड़ता है जब अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करते हो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा लिया जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी है, बिगनर्स भी परचेज कर सकते हैं और बाकी लोग भी। तो मैंने बस वही मस्कारा लेके उसको अप्लाई किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब आप अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करते हो
तो और उसके बाद जब आप अच्छे से भर के मस्कारा अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ही अच्छे से आपकी आईज़ ना इन्हांस होकर नज़र आती हैं। तो उसकी जगह ना आपको फॉल्शीज या आर्टिफिशियल सॉरी जो कोई भी क्या बोलते हैं उनको फॉल्स लैसेज, हाँ वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी आईज़ नेचुरली एकदम बिगर दिखाई देंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे एज आ ब्लश की दस्ते ये लॉरल की मेरे पास न्यू सिग्नेचर लिपस्टिक, उसमें से पिंक कलर का शेड लिया, उसको ही मैं ब्लेंड कर लूँगी एज आ ब्लश। आप कोई भी लिपस्टिक लेके उसको कर सकते हो, और सेम वही लिपस्टिक मैंने अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई किए, बट मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था मेरा लुक, मतलब थोड़ा सा लिपस्टिक की वजह से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा रिमूव कर दिया, जिससे जो लुक है वो थोड़ा सा नेचुरली आ जाए। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे फैंटेसी करके मेरे पास एक हाईलाइटर है, उसमें से मैं रोज़ गोल्ड कलर लेके हाईलाइटर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कुछ करो ना करो अगर आप हाईलाइटर ही थोड़ा सा लगा लेते हो ना, एकदम से नेचुरली बढ़िया सा एक ग्लो आ जाता है आपके फेस पे। तो बस मैंने वही काम किया अपने चिक बोन पे, थोड़ा सा जॉ लाइन के पास, नोज़ पे, फोर हेड के पास, क्यूपिड पे, वहाँ सब जगह पे मैंने अपना हाईलाइटर लगा लिया। इसके बाद मैंने सेम वही जो आईलाइनर था मेरा और जो नेचुरली मुझे तिल था मेरी चिन पे, उसको थोड़ा सा डार्कन कर दिया, और ये नवरात्रि क्रिएट कर सकते लुक, तो इसमें थोड़ा सा मैंने गरबा वाला जो क्रिएट रहता है ना, वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अपने आईज़ के पास में तीन डॉट जो एक रहता है ना लुक जिससे आता है निकल के, तो बस मैंने वही तीन डॉट यहाँ पे लगाए और दोनों आईज़ के पास और चिन के ऊपर, दैट्स इट। और बस मैंने अपनी मैचिंग का यहाँ पे इयर रिंग वियर कर लिया, साथ में ही बैंगल्स भी। आई नो कि मेरी नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है, बट मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग नहीं किया, क्योंकि एक बेसिक और बिगिनर टीनेजर मेकअप लुक था, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट भी यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। ये लुक जो है वो आप मतलब इजीली क्रिएट कर सकते हैं, तो आई होप कि आपको ये लुक जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड हाँ व्लॉग वीडियो वाला जो चैनल है उसको भी जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ पे मैं मेरे बच्चे के साथ में मस्ती करने वाले बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ, तो आई होप कि वो वीडियोस भी आप लोग को एंटरटेन करेंगे और पसंद आएंगे।